ऑनलाइन बिहार न्यूज़, मैं अनिश कुमार पांडे। नगर परिषद की लेकर के बक्सर में जो है वो चुनावी बोली बच चुकी है और अलग अलग प्रत्याशी जो है अपने दमखम दिखाने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम बक्सर के वार्ड नंबर 4 में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ की प्रत्याशी जो है वो महिला है, वो महिला जो अपने चेहरे से और अपने कार्यों से परिचय के मोहताज नहीं है, मौजूद है रंजना गुप्ता जी। आइए रंजना गुप्ता जी से हम वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनको इस चुनावी मैदान में उतरने का कारण क्या था, आखिर इन और महिला होकर के क्यों पुरुषों को टक्कर दे रही है। आइए सबसे पहले इनसे हम वार्तालाप करते हैं। पहले पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैम। सभी को शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि आप महिला होकर के और चुनावी मैदान में पुरुषों का टक्कर दे रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए वार्ड की जो हमारी परिस्थिति है ना, वो बहुत क्या पता है कि बहुत खराब स्थिति है। यूँ कहा जाए तो स्थिति दयनीय है। हाँ, दयनीय है, और उसको लेकर के हमको उतरना पड़ा क्योंकि हमको दूर दूर तक से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ कोई कुछ कहता है कि मतलब जो पुरुष कर सकते हैं महिला नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आज के डेट में देखिए तो जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। तो पहले तो पूरा जितना ही हमारी महिला प्रत्याशी लड़ रही है चुनाव, या चेयरमैन के हो या उप चेयरमैन के या वार्ड पर्सन के, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जीतिएगा तो सिर्फ पहले विकास के बारे में सोचिएगा और वो करके दिखाइएगा कि जो भी हमारे पुरुष भाई कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपके मन में है कि ऐसा हम काम कर दे महिला होकर के कि पुरुष जो है वो सोचते रहे। हाँ, ये करें, ये कहें कि हाँ महिला भी कुछ कर सकती है और क्षेत्र में नाम हो कि महिला हाँ, होकर के कितना विकास की था पुरुष होकर उससे ज्यादा आपको करना चाहिए। जी जी जी, बस यही बात, और यही उम्मीद लेकर के महिला सब लड़ रही है चुनाव कि हम कुछ ऐसा कर दें कि महिला को भी आज की डेट में ये हो कि पुरुष से कम महिला नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया दोष है, पुरुष भी उतना ही है मैंने जितना महिला है, दोनों ही लेकर चलते हैं। क्योंकि चाहे आप क्राइम से लगा करके विकास दर देख लीजिए, मंत्री से लगा करके वार्ड तक आज आपने वहाँ तक देख लिया कि महिला और पुरुष दोनों के लिए जरूरी है, है ना? इसमें कहाँ भेदभाव करेंगे कि महिला नहीं लड़ सकती है पुरुष लड़ते हैं? तो हमारी सरकार भी 50% दे दी महिला के, इसीलिए महिला लोग से यही है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जीतिए तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि बक्सर जिला में कुछ महिला को इतिहास बन जाए कि हाँ ये महिला कुछ करके दिखाए। दूसरा सवाल आपसे हम ये करेंगे कि जिस वार्ड में आप हैं और जिस वार्ड से आपने पर्चा दाखिल किया है, जिस वार्ड से चुनाव का धूल आपके नजर है, उस वार्ड में रास्ता नहीं है, नली गली की समस्या है और यूं कहें तो आपके घर तक आने के लिए रास्ते की स्थिति जो है वो दयनीय है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर पहले तो ये कहें कि भाई नाली हो या गली, दोनों कोई भी वार्ड, किसी भी मैं वार्ड के कर कितनों भी वो बनवा देगा, कितनों भी बड़ा ऊंचा रोड कर दे या नली भी ऊंचा कर दे, क्या उससे पानी निकल जाएगी? जब तक से कोई निकास नहीं रहेगा पानी, जो हमारा रोड पे देखिए जो बड़ा जो नाला है, कहीं बक्सर में पानी का निकास है? ये पानी अगर जो घर घर के ये पानी गिर रहा है, ये कहाँ जाकर गिरेगा, कहाँ इकट्ठा होगा? तो जहाँ से इसका रास्ता पड़ता है, खाली पड़ता है, वहाँ गिरता है। तो जब वो डूबेगा, खेत नाला है जहाँ डूबेगा, तो रोड पर तो पानी जाएगा नहीं जी। तो पहले हमारे जो अधिकारी लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि पहले कुछ करे या ना करे, पहले पानी के निकास की व्यवस्था करें। तो पहले इस मुद्दे पर आइए कि जो पहले बड़ा नाली की जरूरत है, जो बड़ा नाला है उसका जरूरत है, अगर वो बन जाता है, वो नाला लग जाता है, तो छोटा भी आप वार्ड में या कई क्षेत्र में नली बना सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, कहीं निकास होना चाहिए। तो हमारे बक्सर की नगर में तो कहीं पानी का निकासी नहीं है, जहाँ देखिए वहाँ पानी जम गया है, जहाँ देखिए वहाँ डूब गया है। हम लोग की तरफ देखिए पूरा रास्ता समझ में आता है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है नहीं, क्योंकि पानी की जमाव बहुत काफ़ी रहता है।
इसलिए भाई पहले तो ये है कि नाला भी जैसे हो सके नाला की व्यवस्था करना पड़ेगा, पानी के निकास करना पड़ेगा। इसके बाद में ये छोटा छोटा जो नली गली है इसको इस पे बात करें। अगर जनता आपको ताजपोशी कर दे, जनता अगर आपको जीता दे, तो पहले प्राथमिकता आपकी क्या है? पहले हमारी यही रहे जो बड़का नाला है, बड़ा वाला जो मेन नाला है, उस पर हम लोग आवाज उठाएं कि वो बनना जरूरी है, नाला लगवाना जरूरी है। क्योंकि जब तक से वो नहीं होगा तब तक से ये छोटा मोटा कोई भी वार्ड नाला नली गली बनवाएगा, नली गली से काम नहीं चलेगा, नहीं पानी निकल पाएगा। जब तक से निकासी नहीं, कहीं पानी के ये व्यवस्था नहीं रहेगा जाने के लिए, तो कहाँ से होगा। अभी देख रहे हैं पूरा ये जो रोड में मेन रोड है, ये सब लोग घर बना लिए हैं, अपना अपना मकान बना कर रह रहे हैं, तो फिर नाला कैसे जाएगा, पानी कहाँ से निकलेगा? पानी तो निस्तार होना चाहिए ना। वो जो नहर था वो देखे वो नहर क्या हो गया कि ब्लॉक हो गया, तो फिर ब्लॉक हो गया तो कहाँ से पानी निकलेगा? कितना लोगों को घर में दिखिए तो जो बरसात होती है तो पानी घर में चल जाता है, तो वार्ड क्या करेगा? वार्ड तो अपने घर में पानी नहीं होगा, छाप करेगा वार्ड तो नली सफाई करेगा, फिर नहीं तो उसको क्या करेगा कि ईटा से जोड़ेगा, यही ना। हाँ, पर वार्ड की एक ये है कि हमारे जितने बक्से में वार्ड कमिश्नर है, पूरा लोग, पूरा बक्सर की जनता मिल करके इसके बारे में आवाज उठाए कि आखिर क्यों नहीं नाला ये लग रहा है, तो नाला की व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है, पानी निकलने के व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, इस पर जरूरी है आवाज लगाना। और यूं कहें तो आप महिला हैं, महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच रखती है, क्या महिलाओं के प्रति आप सोच रखती है? अगर चुनाव मैदान में जीत जाती है महिला और जनता जो है ताजपोशी कर देती है, तो महिलाओं के प्रति आपकी सोच क्या है? महिलाओं के प्रति ये सोच है कि जितने हमारे पुरुषों के समाज में मान मर्यादा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उतना महिलाओं को भी मिलना चाहिए। देखिए कि कहाँ लिखा है और कहाँ है कि एक पुरुष रात को घर से बाहर निकल सकते हैं और महिला नहीं निकल सकती, क्या महिला तो कैद कोई ये अपराधी नहीं ना करके बैठी है जी अंदर, कि उनको जिम्मेवारी दिया है कि सिर्फ खाने बनाएगी, चौके चूल्हा करेगी, उनको भी तो ये दिया गया है कि वो भी अपना हक के लिए और अपना महिला एक है तो वो भी अपना कुछ जिम्मेवारी समझे। अब वो पहले महिला विकास मंच में थी, आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि आप चुनाव में लड़ना है? देखिए महिला विकास मंच में आज भी मैं महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हूँ, और हमारी जो वार्ड के है 4 नंबर वार्ड के ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो महिला, इन लोगों को कहना था कि मैडम एक बार अपनी वार्ड भी तो देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चाहे आप नेतागिरी कीजिए या सामाजिक करिए, पहले घर से लोग करते हैं। जब हमारा घर सही नहीं रहेगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सही नहीं रहेगा, हमारी ये वार्ड नहीं सही रहेगा, तो फिर समाज चलाने का मतलब ही क्या है? जी बिल्कुल, समाज सेवा का मतलब ही क्या है? तो इसको मतलब हमारी वार्ड की जो परिस्थिति है ये बहुत कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि महिलाओं की प्रेशर और महिलाओं के कहने के वजह से आपने चुनाव भी जीत जी महिला ये 4 नंबर वार्ड के सारी महिला और कुछ पुरुषों लोग ने क्या लगता है महिलाओं का सपोर्ट है? जी जी बिल्कुल है, महिलाओं के भी है पुरुषों के भी है दोनों लोग के है। ताजपोशी जनता कर दी, अभी तो जनता के ऊपर है, क्या उम्मीद करती है? मतलब मैं उम्मीद करती हूँ नहीं, पूरा विश्वास करती हूँ कि जनता हमको इस बार मौका देगी, जनता इस बार आपको मौका देगी। जी तो हमारे साथ ही वार्ड 4 की जो है रंजना गुप्ता जी, जिनसे हमने खास बातचीत की, और आपने भी सुना कि एक महिला होकर के इतनी सोच, वो बक्सर की महिला जो इतनी सोच रखती है पुरुषों को टक्कर देने के लिए, वो आपने इनकी जुबान से आपने सुन लिया। तो बने रहिए MBA ऑनलाइन बिहार न्यूज के साथ बक्सर से अनीश पाठक की रिपोर्ट।